नमस्कार, मैं हूँ शारदा जायसवाल। मैं पायल शुक्ला। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। बॉलीवुड अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा को पैर में लगी गोली। रिवॉल्वर साफ करते वक्त घर में हुआ हादसा। घायल होने के बाद गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोविंदा के फैंस के लिए आई राहत भरी खबर। ऑपरेशन के जरिए उनके पैरों से निकाली गई गोली फिलहाल स्थिर है। अभिनेता की हालत अगले कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहेंगे गोविंदा। मुंबई के अटल सेतु में नहीं थम रहा जान देने का सिलसिला। एसयूवी गाड़ी में पहुंचे शख्स ने पहले रोकी कार और फिर समुद्र में लगा दी छलांग। इससे पहले डॉक्टर और इंजीनियर भी ऐसे ही दे चुके हैं जान। 40 साल के बैंक मैनेजर सुशांत चक्रवर्ती के तौर पर हुई मुंबई के अटल सेतु से कूदने वाले शख्स की पहचान प्रशासन कर रहा है। शव की तलाश पुलिस की पूछताछ में पत्नी ने कहा काम के दबाव से जूझ रहे थे सुशांत। मध्य रेलवे ने मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेन की समय सारणी में किया बदलाव। अब दादर से चलेगी मुंबई सीएसएमटी से छूटने वाली 20 लोकल ट्रेनें। दरअसल सीएसएमटी में होने वाली भीड़ को कम करने के लिए सेंट्रल रेलवे ने लिया फैसला। देश में पहली बार ट्रेन के जरिए पहुंचाया गया ऑर्गन। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर महज 3 घंटे में सूरत से मुंबई पहुंची ट्रेन। मुंबई में 5 दिन की ब्रेन डेड बच्ची के लीवर के दान से मिला 13 महीने के मासूम को जीवन। सरकारी योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कसा तंज। उद्योगपतियों से कहा कि वे सरकारी सब्सिडी पर ना रहे निर्भर। सरकार को बताया विश्वकन्या, कहा लाडली बहन जैसी योजनाओं से बंद होने की कगार पर है उद्योग और लटक जाएगी सब्सिडी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी गैर फ्री फ्यूचर रिपोर्ट में सार्वजनिक परिवहन को लेकर महिलाओं की मांग आई सामने। रिपोर्ट के मुताबिक 94% महिलाओं ने की मुफ्त, सुलभ और सुरक्षित बस सेवाओं की मांग। मुंबई में महिलाओं ने बेस्ट बसों की संख्या बढ़ाने की भी रखी मांग। महाराष्ट्र के नागपुर में भीषण सड़क हादसा। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। केस दर्ज कर जाँच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय संस्कृति, कृषि और स्वास्थ्य देखभाल में स्वदेशी गाय के महत्व को देखते हुए इसे औपचारिक रूप से राज्य माता गौ माता का दिया दर्जा घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि स्वदेशी गाय को भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही महत्वपूर्ण स्थान है हासिल। इसका महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि चिकित्सा और कृषि में भी देखने को मिलते हैं कई फायदे। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और उत्तर प्रदेश के सांसद चंद्रशेखर रावण की गाड़ी पर अज्ञात युवकों ने किया हमला। युवकों ने हंगामा करते हुए गाड़ी पर फेंका पत्थर। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। मुड़ा स्कैम में चौतरफा गिरे सिद्धारमैया ने जमीन वापस करने का किया फैसला। उनकी पत्नी ने मुड़ा को पत्र लिखकर की इसकी पेशकश। ईडी ने मुड़ा स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग की PMLA एक्ट के तहत सिद्धारमैया पर दर्ज की थी FIR। कर्नाटक के बेंगलुरु में पिछले 10 सालों से पाकिस्तानी शख्स अवैध तरीके से रह रहा था अपने परिवार संग। अपनी पहचान बदलकर एक रेस्टोरेंट खोल रखा था शख्स। शख्स की पत्नी है बांग्लादेशी। पुलिस ने इन सभी को किया गिरफ्तार। जांच में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गाय को राज्य माता का दिया दर्जा। जहां महायुति के नेता इसे बता रहे हैं बड़ा फैसला, वहीं शिंदे सरकार को घेर रहे महाविकास आघाड़ी के नेता शिवसेना यूबीटी के बाद अब कांग्रेस ने बताया चुनावी स्टंट। सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। करीब 39,000 कर्मचारियों को इस महीने नहीं मिलेगी सैलरी। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ योगी सरकार ने लिया है एक्शन। कांग्रेस की ओर से लापता लेडीज कैंपेन की हुई शुरुआत, जिसके लिए एक पोस्टर किया गया तैयार। पोस्टर के जरिए पार्टी ने किया दावा। हर साल करीब 64,000 महिलाएं राज्य से हो रही हैं लापता। पोस्टर के जरिए महायुति सरकार पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार न रोक पाने का भी लगाया आरोप। तिरुवनंतपुरम से चलकर नई दिल्ली जाने वाली केरला एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बची। ललितपुर में रेल प्रशासन की गलती के चलते ट्रेन को ललितपुर के पास टूटी पटरी पर चढ़ा दिया गया। ट्रैक पर काम कर रहे रेल कर्मियों ने ट्रेन को रोकने के लिए दिखाई लाल झंडी, लेकिन तब तक ट्रेन के 3 कोच टूटी पटरी से निकल गए थे आगे। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। इसके बाद ट्रेन के झांसी पहुंचने पर यात्रियों ने जमकर किया हंगामा।
लेह के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक सोमवार को जैसे ही अपनी 700 किलोमीटर लंबी दिल्ली चलो पद यात्रा करते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोका। सोनम को हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा मोदी जी टूटेगा आपका अहंकार। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत 40 सीटों पर हुआ मतदान। जम्मू की 24 और कश्मीर घाटी की 16 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोट, 60% से अधिक हुआ मतदान। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित प्राइवेट स्कूल से छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला आया सामने। क्लास में टीचर के द्वारा छात्र को बेरहमी से पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। टीचर छात्रों को सिर के बाल घसीटते हुए ब्लैक बोर्ड के पास लाया और फिर दीवार में पटका। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर बने मंदिर मस्जिद या किसी दूसरे धार्मिक स्थल को हटाने को लेकर की सख्त टिप्पणी, कहा हम एक धर्म निरपेक्ष देश हैं और हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सड़क के बीच धार्मिक संरचना बाधा नहीं बन सकती, पब्लिक प्लेस से हटाना ही होगा अतिक्रमण। थाईलैंड के एक स्कूली बस में लगी आग, छात्रों समेत कम से कम 25 लोगों के मारे जाने की आशंका, दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंचे। हादसे के दौरान झुलसने से कई लोग हुए घायल जिन्हें नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती, मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। बांग्लादेश जहां एक ओर बिजली संकट में जूझ रहा तो वहीं दूसरी ओर भुगतान बकाया होने की वजह से भारत की ओर से की जाने वाली बिजली सप्लाई में कर दी गई है कटौती। अब बांग्लादेश ने नेपाल से बिजली सप्लाई की लगाई गुहार, इसके लिए 4 अक्टूबर को हो सकता है सौदा, इस सौदे में भी भारत की होगी अहम भूमिका। लेबनान के दक्षिणी इलाके में इसराइल ने शुरू कर दिया है जमीनी हमला। इसराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों को और ठिकानों को खत्म करना कर दिया है शुरू। इसराइल के सामने फिलहाल बेबस नजर आ रहे हैं लेबनान और हिजबुल्लाह। कानपुर में दमदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर भारत ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को दी करारी मात, 7 विकेट से दर्ज की जीत। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टॉप पहुंची टीम इंडिया। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे इन24 न्यूज से और इन24 न्यूज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।